इसी बीच एक बड़ा अपडेट दे देते हैं, जहां बिहार में सियासी घमासान के बीच में आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पटना में पहुंच रहे हैं। जानकारी के अनुसार वो दोपहर 2:30 बजे पटना पहुंचेंगे, यानी कि सुबह 9 बजे बीजेपी ऑफिस में पार्टी के विधायक दल की बैठक होगी। इसके बाद दिन के 12 बजे जेडीयू और बीजेपी विधायकों की संयुक्त बैठक होने वाली है, यानी कि आज भी बैठकों का जो सिलसिला है वो लगातार जारी रहेगा। लेकिन बिहार की सियासत में आज का दिन कितना अहम है आप अंदाजा लगाइए कि एक तरफ कहा जा रहा है कि आज सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर से सीएम पद की शपथ ले सकते हैं, दूसरी ओर अगर हम बात करें तो यहां पर एक्शन मोड में बीजेपी नजर आ रही है। जेपी नड्डा यहां पर पहुंचेंगे आज लगभग 2:30 बजे तक कहा जा रहा है कि वो पटना पहुंच जाएंगे, और ऐसे में बीजेपी की ओर से भी पूरी तैयारी है। जेपी नड्डा यहां पर बैठक लेते हुए भी नजर आएंगे। स्वप्नी लगातार हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, ताजा अपडेट लेंगे। लेकिन 12 बजे आज जो बैठक होने वाली है, बिहार में सियासी घमासान मचा हुआ है और पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। पटना में आज सुबह 9 बजे बीजेपी की बड़ी बैठक होगी। इस बैठक में सिर्फ विधायक नहीं, सांसद और सीनियर नेता भी मौजूद रहेंगे। जानकारी के मुताबिक प्रदेश बीजेपी नेताओं को केंद्र से अभी तक कोई साफ निर्देश नहीं मिला है। कल प्रदेश बीजेपी कार्य समिति की बैठक 2 घंटे तक चली, लेकिन नीतीश कुमार को लेकर नेता बयान देने से बचते रहे। अब आप देखिए आगे कैसे कैसे क्या क्या होता है, अभी तो इतना ही है। तो और लगातार बैठक की क्या और भी और बैठक और भी चलेगी और कल सुबह से फिर बैठक चलेगी। क्या गृह मंत्री जी और नड्डा जी कुछ राष्ट्रीय प्रेसिडेंट, देखिए इतने विषयों पर चर्चा नहीं कर सकते। कल सुबह फिर बैठक सुबह 9 बजे से फिर प्रारंभ हो रही है। वहीं बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा है कि अभी न तो किसी ने इस्तीफा दिया है, न किसी ने समर्थन वापस लिया है। ना नीतीश जी ने इस्तीफा दिया है, ना किसी ने समर्थन वापस लिया है। तो पहले कोई बात होती है तभी तो कोई जानकारी होगी। कहा जा सकता है कि बिहार की सियासत का आज रंग रूप बदल जाएगा। जुबान पे जरूर ना है, लेकिन मन ही मन जो है वो हाँ हो चुकी है, और उस हाँ को आज पूरी तरीके से उतार दिया जाएगा बिहार की सियासत में। गणित क्या कह रहा है बिहार की सियासत का, क्या कुछ हलचल है, लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ स्वप्निल बने हुए हैं। स्वप्निल देखिए, वो कहते हैं ना नाना करते करते मन में तो हाँ हो चुकी है, और यही वजह है कि जब भी देखिए बीजेपी से, बीजेपी के किसी भी नेता से जब भी सवाल पूछा जा रहा है तो उनकी जुबान पे दबे जुबान वो ये कह रहे हैं कि देखिए अभी तो वो सीएम है, इस्तीफे का इंतजार कीजिए। ये कहे कि आज वो दिन है जब दो लिफाफे हाथ में होंगे सीएम नीतीश कुमार के, जिसका आप जिक्र कर रहे थे, वही ये बताएगा कि आज बिहार की सियासत का रंग रूप एक बार फिर से बदल जाएगा। बिल्कुल प्रीति, वही बात पे वापस आता हूँ। देखिए आज जहाँ तक हम लोगों ने अभी चैट में बताया कि सारे विधायक पहुँच जाएंगे सीएम हाउस 10 बजे, यहाँ मीटिंग शुरू हो जाएगी 9 बजे। यहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर, 1.5 किलोमीटर्स की दूरी पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है, 9 बजे से वहाँ बैठक शुरू हो जाएगी। और इन बैठकों में एक तरह से ऑफिशियल लाइन अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को और विधायकों को बता दिया जाएगा। उसके बाद जो दो इन्वेलप्स का मैं जिक्र कर रहा था, एक इन्वेलप में इस्तीफा पत्र होगा और दूसरे में समर्थन पत्र होगा। समर्थन पत्र भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होगा कि भारतीय जनता पार्टी के इतने विधायक का समर्थन मेरे साथ है, जो गवर्नर को दिया जाएगा। पहले इस्तीफा दिया जाएगा, फिर समर्थन का पत्र दिया जाएगा और गवर्नर से ये प्रे किया जाएगा कि आप हमको सरकार बनाने का समय दें। तो जो गवर्नर हाउस के सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि 3 बजे से 4 बजे का समय दिया गया है, इसीलिए जेपी नड्डा की जो फ्लाइट है वो यहाँ 2:30 बजे लैंड करेगी। और 2:30 बजे लैंड करने के बाद जो गवर्नर हाउस आने की दूरी है एयरपोर्ट से, वो तकरीबन 10 मिनट की है। तो 10 मिनट बताया जा रहा है कि जेपी नड्डा उसमें, उस सेरेमनी में भी शामिल हो सकते हैं, अकॉर्डिंग टू सोर्सेज के हवाले से खबर। अब आप आगे आइए, आज 6 लोग शपथ लेंगे ये सोर्स बता रहे हैं। 3 लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, 3 लोग जेडीयू की तरफ से और 1 मुख्यमंत्री, यानी 1+6, 1 मुख्यमंत्री और 3 जेडीयू की तरफ से और 3 भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लोग शपथ लेंगे, और विस्तार बाद में होगा। आज महत्वपूर्ण इस सेंस में भी है दिन, देखिए हम लोग तमाम चर्चा जो अभी कर रहे हैं वो एनडीए खेमे की कर रहे हैं। हम लोग ये देख रहे हैं कि आज बैठक 10 बजे जेडीयू में होनी है, 9 बजे भारतीय जनता पार्टी में होनी है, 3 से 4 बजे के बीच अकॉर्डिंग टू सोर्सेज के हवाले से खबर कि राज्यपाल समय देंगे शपथ ग्रहण के लिए, तैयारियाँ चल रही हैं, ये सब हो रहा है। लेकिन एक खेमा जो छूट रहा है वो बेहद महत्वपूर्ण है, बिहार की सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल। आखिर राष्ट्रीय जनता दल ने क्या हथियार डाल दिए हैं,
क्या राष्ट्रीय जनता दल ने ये मान लिया है कि उनके हाथ से बाजी निकल गई है, रेत की तरह समय निकल गया है हाथ से? तो ऐसा नहीं है। असल में है क्या कि तीसरा पक्ष जो है वो राष्ट्रीय जनता दल का है, जो कि बिहार की सबसे बड़ी पार्टी, और इतना ही नहीं है, वो बड़ी पार्टी होने के साथ वहाँ भी लालू जैसे राजनीति के बड़े जानकार माहिर बैठे हुए हैं, उनका अपना थिंक टैंक काम कर रहा है। तो अब उस पक्ष की भी जरा बात कर लेता हूँ। राष्ट्रीय जनता दल ने भी अपने तरफ से तैयारी कर रखी है। राष्ट्रीय जनता दल ने सारे ऑप्शंस को खोल रखे हैं, सारे फिगर्स को टच करने की तैयारी चल रही है। कैसे जादुई आंकड़ा के आसपास पहुंचा जाए, इसको देखा जा रहा है। राष्ट्रीय जनता दल के पास सबसे बड़ा जो ऑप्शन है, सबसे बड़ा ऑप्शन जो है मेरी समझ से प्रीति, वो ये है कि विधानसभा अध्यक्ष अभी भी राष्ट्रीय जनता दल का है, और राष्ट्रीय जनता दल के विधानसभा अध्यक्ष होने के नाते जब फ्लोर के अंदर बहुमत साबित करने का वक्त आएगा, तो उस समय कई चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे नीतीश कुमार को, अगर आज गवर्नमेंट फॉर्म होती है तो। तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि नियमन है, कानून है, कि आपको 14 दिन का नोटिस, अगर विधानसभा अध्यक्ष को चेंज करना है तो 14 दिन का नोटिस देना पड़ता है। तो अगर आप नोटिस आज भी सर्व करते हैं तो 14 दिन का वक्त होगा विधानसभा अध्यक्ष के पास, लेकिन आपको फ्लोर पर जाके अपना बहुमत साबित करना होगा। तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल भी अपने स्तर से तमाम अपने ऑप्शंस को देख रही है कि उसके पास क्या क्या ऑप्शन है। एक पक्ष और है इसमें जो बेहद महत्वपूर्ण है इस चर्चा में, एनडीए हो गया। एनडीए में फिर से रिपीट कर रहा हूं अपने दर्शकों को जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं, उनके लिए 9 बजे से भारतीय जनता पार्टी की भी मीटिंग है, 2:30 बजे जेपी नड्डा के आने की खबर है अकॉर्डिंग टू सोर्सेस, 10 बजे से जेडीयू की विधायक दल की बैठक है, 3 से 4 के बीच का समय होगा जब शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होगा अकॉर्डिंग टू सोर्सेज। अब आइए, राष्ट्रीय जनता दल में बैठक हो रही है, वहाँ के जो थिंक टैंक हैं वो अपने स्तर से जोड़ तोड़ और तमाम कैलकुलेशंस को देख रहे हैं। एक पक्ष और है जो इन दिनों बेहद महत्वपूर्ण है इस पूरी कवायद में, वो है जीतन राम मांझी का पक्ष। जीतन राम मांझी के पास जो विधायक हैं वो अभी एक तरह से की प्लेयर की तरह काम कर रहे हैं। जी सोर्सेज ये बता रहे हैं, सूत्र ये बता रहे हैं, कन्फर्म सूत्र ये बता रहे हैं कि जीतन राम मांझी को दोनों तरफ से ऑप्शंस आ रहे हैं। जीतन राम मांझी एनडीए में हैं, अनाउंस एनडीए के पार्टनर हैं, और वहीं राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से सोर्सेज ये बता रहे हैं, सूत्र ये बता रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से भी उनको ऑप्शन है। तो जीतन राम मांझी के घर के बाहर, हम वो स्टोरी भी अभी अपने दर्शकों को दिखाएंगे, एक बैनर लग गया है कि दो मंत्री पद चाहिए, क्योंकि जीतन राम मांझी के जो विधायक हैं वो की रोल अदा करने जा रहे हैं। तो जीतन राम मांझी भी अपने स्तर से बैठक कर रहे हैं। कल हुई है जीतन राम मांझी के चारों विधायकों की बैठक, देखिए आज फिर जीतन राम मांझी भी इसमें काफी अहम हो जाती है, क्योंकि सीधे तौर पर अगर हम देखें तो एक पोस्टर जो है वो भी लगा दिया गया है, उस पर भी मैं बात करूंगी, लेकिन फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे।